नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि आज मोकामा के बाहुबली निर्दलीय विधायक अनंत सिंह राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने आज नामांकन भरा। कहा जाता है कि अनंत सिंह राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण किए और उन्हें सिंबल दिया गया। अनंत सिंह बाहुबली हैं, कई दफा विधायक रह चुके हैं मोकामा से। मोकामा की लड़ाई रोचक इस बार होने की संभावना है। 15 में भी अनंत सिंह जेल में रहते हुए निर्दलीय जीते थे। इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें टिकट दिया और भरोसा किया है कि वह जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे, जबकि जेल से उन्हें विशेष अनुमति मिली थी नामांकन पत्र भरने के लिए। उनके विरुद्ध ताल ठोक रहे हैं राजीव लोचन सिंह, जो जदयू के उम्मीदवार हैं। अनंत सिंह के लदमा स्थित घर पर AK-47 और हैंड ग्रेनेड पकड़ा गया था। उसी केस में वो अभी जेल में वर्तमान में हैं। अन्य कई केस है, लेकिन सारे केस में उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन इस मामले में उन्हें जमानत अब तक प्राप्त नहीं हुई है। विशेष अनुमति मिलने पर अनंत सिंह आकर राजद उम्मीदवार के रूप में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। अब मोकामा की लड़ाई रोचक हो गई। बाहुबलियों का लड़ाई मोकामा में हमेशा होता रहता है। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह भी विधायक थे, सूरज भान सिंह वहीं के विधायक थे, श्याम सुंदर सिंह धीरज विधायक थे, और ललन सिंह और नीरज कुमार शर्मा मंत्री से अनंत सिंह का जबरदस्त अदावत चल रहा है। अब देखना यह है कि अनंत सिंह जेल में रहते जीत पाते हैं, जनता भरोसा करती है, या अनंत सिंह मात खाएंगे। लेकिन अनंत सिंह, जैसा कहा जाता है, कि उनकी छवि आम लोगों के बीच में बहुत अच्छी है और उन्हें लोग मानते हैं और मत देंगे। तो दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहें, अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहें। मैं आपको हमेशा नई नई खबर देता रहूंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।